रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का एक युवक दबंगों के आतंक से हमले में घायल युवक इस कदर आहत हो चुका है कि उसने मुख्यमंत्री को पत्र भेजते हुए सुरक्षा की गुहार तो लगाई ही, साथ ही दबंगों द्वारा अपनी हत्या करवाए जाने की भी आशंका व्यक्त की है। बीते दिनों सलोन कोतवाली क्षेत्र के करहिया बाजार में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों पर मुकदमा भले ही दर्ज हुआ, किंतु युवक पर हमले करने के लिए उकसाने में एक बड़े चेहरे का नाम सामने आ रहा है, जिससे युवक ने अपनी हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भेज सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल करहिया के राजा आनंद कुमार सिंह ने बताया कि 13 जुलाई की रात लगभग 8:30 बजे अपने ड्राइवर को छोड़ने मगन पांडे के ट्यूबवेल पर पहुंचा था, तभी समुदाय विशेष के 4 युवक अचानक मेरे ऊपर लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला बोल दिए, गाड़ी का शीशा व मोबाइल भी तोड़ दिया, मुझे काफी गंभीर चोटें आई। आरोपियों पर मुकदमा लिखा गया। घटना के बाद जानकारी हुई कि उक्त हमला मुझे जान से मार देने की नीयत से किया गया है, निवासी चंद्र प्रताप सिंह द्वारा कराई गई थी, क्योंकि उनसे मेरा करोड़ों रुपए का संपत्ति का विवाद है, जिसके वारिस मेरी माँ अकेले है, पैरवी में कर रहा हूँ। उनके घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को जब्त कराकर चेक करवाया जाए, जिसमें सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। पीड़ित युवक ने हमले की साजिश रचने वालों के ऊपर तत्काल प्रभावी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। रायबरेली से जिला संवाददाता अभय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार सिंह। कहाँ के निवासी हैं? करहिया बाजार थाना जनपद राय। क्या घटना हुई आपका भैया? घटना भैया 2 दिन पूर्व की है। मैं रात में करीबन 8:30 बजे अपने ड्राइवर से छोड़ने करहिया बाजार उसके बगल घर कस्बे में गया। उसी दरमियान कुछ अज्ञात लोग, जिसे उसमें कुछ तो जानकारी में है, हमारे 4 लोग उसके, जिनको मैं जानता हूँ, एक फुरखान है और एक राजू मोहम्मद है और इरफान और सलमान, एक ही बाप के 4 पुत्र हैं। उन्होंने काहे से हमला किया आपके ऊपर? भैया हमारे ऊपर राड से, हाथी से और डंडे से हमला किया। बाद में जब हमारी FIR वगैरह हुई मौके पे, हमारे CEO गाड़ी वगैरह में कुछ क्या कुछ हुआ कि आप काहे से थे? हा? गाड़ी वगैरह में काहे से क्या नहीं, गाड़ी पे भी हमला हुआ, हमारे ड्राइवर पे भी हुआ, हम पर भी हुआ। और क्योंकि मैं हॉस्पिटल अभी तक भर्ती था, आज मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। और अभी जब मुझे पता चला ये हमला सीपी सिंह द्वारा कराया गया है मेरे ऊपर, क्योंकि हमारा ये कौन है सीपी सिंह? कौन है? चंद्र प्रताप सिंह, करहिया बाजार के रहने वाले हैं। और क्योंकि हमारी ज़मीन उन्होंने ज़बरदस्ती अपने नाम दर्ज करवा ली है करोड़ों रुपये की, और सारे हमलावर उनके ही घर में अभी तक मौजूद हैं। और इस समय उनके यहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह भी लगी हुई है, अगर उसकी जांच अगर पुलिस महोदय करवाएं तो पक्का है कि वो लोग पकड़े जरूर जाएंगे। बहरहाल कार्रवाई पुलिस ने अपनी तरीके से की हुई है। मैं आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के विधायक जी का और CEO अमित सिंह जी का, जिन्होंने हमारे मौके पर अच्छे स्टेटमेंट भी करवाया और हमें रेफर भी कराया। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो हमें अभी तक में संज्ञान में मेरे आ रहा है कि चंद्र प्रताप सिंह मेरी जान और मेरी माँ की जान ले सकते हैं, और उनकी मदद पूरी तरीके से काउंसलिंग प्रताप सिंह कर रहे हैं चंदापुर रायबरेली, जो कि बड़े लेवल पर उनकी अच्छी पहुँच है। और हम लोग क्योंकि BJP के कार्यकर्ता भी हैं और लगातार BJP संगठन के लिए भी काम करते चले आए हैं, तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ज़रूर ये कहूँगा कि एक बार हम लोगों की दर्द को सुना जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे हमारी तैयारी है, मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। मैं कोई डरा और भयभीत नहीं हूँ, मेरी जान जाएगी जाएगी, लेकिन मैं न्याय के लिए लड़ता रहूँगा।